वायरिंग का काम इसमें है थोड़ा सा, ये देखें ये बल्ब वल्ब इसके बदली करने हैं। इसकी वीडियो भी इंशाल्लाह मैं अपलोड करूंगा। यहाँ पे एसी और डीसी दोनों किस्म की वायरिंग करनी है। शुक्रिया व्यूअर। ये फैंसी सेलिंग में पुरानी वायरिंग भी पड़ी थी जिसमें बहुत ज़्यादा बल्ब थे और बहुत बेतरतीबे लगे थे, इसलिए सारी फैंसी सेलिंग उतार के अब दोबारा से ये देखें पुरानी वायरिंग इसकी निकाल ली है और दोबारा से इसमें वायरिंग करेंगे। और इस वायरिंग में ये पहले सिर्फ और सिर्फ एसी वायरिंग भी पड़ी थी, अब इसमें हम एसी और डीसी दोनों किस्म की वायरिंग करेंगे। ये देखें ये दोबारा से साफ़ करके हमने तरतीब से अभी यूँ लगाने हैं। फैन का वो बीच में दे दिया है, 8 एसी बल्ब और 4 डीसी बल्ब, 2 एसी डीसी पंखे इसमें लगाने हैं। व्यूअर ये इंशाल्लाह सारा प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं। बोर्ड जो पहले मेन बिजली का बोर्ड पहले यहाँ पर था, ये हमने ये देखें सारा उतार दिया है। ये पहले यहाँ पर लगा हुआ था, ये यहाँ से उतार के अब यहाँ पर लगाना है। तो व्यूअर इंशाल्लाह ये काम करते हुए हम आपको आज के आज गाइड भी करते जाएंगे। ये देखें पुरानी वायरिंग सारी उतार दी है। ये व्यूअर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वायरिंग कंप्लीट हो गई है। ये जो येलो कलर में है ये बल्ब दोनों यूपीएस के साथ कनेक्ट है एसी के, ये दो भी यूपीएस के साथ, और ये जो थोड़े वाइट नज़र आ रहे हैं ये दो बल्ब और वो दो बल्ब, ये यूपीएस के साथ नहीं है, डायरेक्ट जो उससे कंट्रोल होते हैं एसी करंट से। और ये है एसी डीसी पंखा, ये पीछे भी एसी डीसी पंखे की जगह है। बाहर व्यूअर्स मैं आपको दिखाता हूँ, बाहर एक ये डीसी बल्ब, एक ये डीसी बल्ब, एसी एक वो है, एक ये होल्डर लगा हुआ है एसी का, एक ये होल्डर लगा हुआ है और एक ये होल्डर, ये 4 बल्ब एसी के हैं बाहर दुकान के बाहर और 2 डीसी बल्ब है। और ये व्यूअर्स 100 एम्पायर की बैटरी है। ये हमारे पास यूपीएस है, ये देखें यूपीएस ऑन है व्यूअर्स, गालिबन आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें यूपीएस ऑन है, इस वक्त लाइट है। ये हमारा बोर्ड है व्यूअर्स जिसमें 5 हमने सॉकेट लगाए हैं, जिसमें ये जो 3 सॉकेट हैं ये डायरेक्ट बिजली से चलेंगे और ये जो 2 सॉकेट है इस तरफ वाले, ये 2 सॉकेट व्यूअर्स यूपीएस के साथ, इसमें हमने यूपीएस का कनेक्शन किया हुआ है। ये देखें मैं आपको बोर्ड फ्रंट से भी दिखाता हूँ। उसके अलावा ये है व्यूअर्स हमारा डीसी, ये देखें ये हमारा डीसी बोर्ड है व्यूअर्स, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारा डीसी बोर्ड है। इसमें डीसी के 6 बल्ब हैं और 2 एसी डीसी पंखे हैं। ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें ये 2 जो स्विच बटन है ये फालतू है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 4 लाइटें डीसी दुकान के अंदर है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो सेंटर में लगे हुए हैं ये देखें 1, 2, 3 और ये 4 और 2 मैंने आपको जो बार दिखाएँ, और एक एसी डीसी पंखा वहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, एक ये इंस्टॉल हुआ पड़ा है। ये व्यूअर्स मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ, ये देखें ये पहला बटन दबाया, ये देखें ये वाला डीसी बल्ब ऑन हो गया, दूसरा दबाया वो ऑन हो गया, तीसरा दबाया ये वाला ऑन हो गया, और ये देखें चौथा दबाया वो आखिरी बल्ब ऑन हो गया, पांचवा दबाएंगे बाहर का एक बल्ब ऑन हो जाएगा, और ये ऊपर वाला जो एक है ये देखें इस स्विच बटन को ऑन करेंगे तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा, और इस वाले स्विच बटन को हम ऑन करेंगे तो ये पंखा चालू हो जाएगा। ये इस वक्त ये सारा डीसी करंट है व्यूअर्स हमारा, ये डीसी पे चालू है। और उसके अलावा आओ उसके अलावा व्यूअर्स ये देखें ये एसी का बोर्ड है, इसमें भी हमने 2 एसी डीसी पंखे, ये जो 2 स्विच बटन है ये 2 एसी डीसी पंखे, और नीचे के ये जो 3 स्विच बटन है जिसमें ये वाला जो है ये वाला ये फालतू है, उस तरफ के जो 2 स्विच बटन है ये हमने, ये जो पीली कलर की लाइट है नज़र आ रही है ये यूपीएस के साथ कनेक्टेड है। ये देखें मैं ब्रेकर ऑफ करता हूँ व्यूअर्स, ये ब्रेकर ऑफ कर दिया, बाकी लाइटें बंद हो गई, देखें सिर्फ डीसी लाइटें चालू है और वो पीली वाली। ये मैं ब्रेकर को ऑन करता हूँ व्यूअर्स, ये देखें सारी चालू हो गई, सारी लाइटें चालू हो गई हमारी। तो व्यूअर्स ये आप इसमें एक सॉकेट लगा हुआ है, ये मैं जब बंद करूंगा फिर आपको दिखाऊंगा, आप एक दफ़ा से इसकी वायरिंग सही से देख लें व्यूअर्स, ये देखें
और ये डीसी की भी वायरिंग सही से देख लें और इस वाली की भी वायरिंग सही से देख लें व्यूअर्स। ये देखें, ये जो ब्लैक कलर की तार आई हुई है ये यूपीएस का इनपुट है जो यहाँ हमने डायरेक्ट न्यूट्रल और फेस जो इस बोर्ड में आ रहा है ब्रेकर से, इसके साथ ये देखें ये हमने जो इसमें येलो वाली तार और ब्लू वाली तार है सॉरी वो हमने न्यूट्रल के साथ और ये जो ब्राउन वाली तार है ये हमने फेस के साथ जोड़ी हुई है जिससे यूपीएस को इनपुट करंट जा रहा है। और आउटपुट की जो वायर है यूपीएस की ये आ रही है व्यूअर्स, ये देखें ये हमने ये जो दो स्विच बटन है ये नीचे दो सॉकेट है इसका न्यूट्रल भी यूपीएस का व्यूअर्स इन सॉकेटों को दिया हुआ है। ये देखें ये वायर लगी हुई है, ये वाली वायर लगी हुई है यूपीएस। इस वक्त इसमें बोर्ड में करंट है इसलिए मैं ज़रा एहतियात कर रहा हूँ और बिजली के काम में आप दोस्तों से भी गुजारिश है कि काफ़ी एहतियात से काम लिया करें। और ये देखें ये वाली वायर व्यूअर्स, ये वायर फेस की है, ये जो इससे आउटपुट आ रहा है। उसके अलावा ये देखें व्यूअर्स, इसी से एक आउटपुट तार ये हमने ली है, ये सीधी इस चैनल पट्टी के थ्रू आई है इसमें इस वाले बोर्ड में आई है। इसमें ये जो दो शुरू के सॉकेट है एसी डीसी पंखे यूपीएस के साथ कनेक्टेड है और चार बल्ब दुकान के अंदर यूपीएस के साथ कनेक्टेड है। ये हमने डबल पोल का ब्रेकर लगाया है। उम्मीद है व्यूअर्स ये रिव्यू आपकी समझ में आ गया होगा अच्छे से। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स इस टाइम लाइट नहीं आ रही है तो इस टाइम हमने ये देखें जो वायरिंग की थी डीसी और यूपीएस और साथ में बिजली मतलब यूपीएस भी लगाया था और साथ में 12 वोल्ट का सिस्टम भी लगाया था। ये देखें ये 12 वोल्ट का बोर्ड है और वो ऊपर जिसमें यूपीएस के कनेक्शन भी हुए हैं। ये देखें कॉर्नर वाला बटन ऑन है और ये जो साइडों वाली लाइट है बीच वाली डीसी लाइट ऑन है और साइडों में दोनों जो पीली लाइट आपको नज़र आ रही है ये दोनों लाइटें हैं ये एसी मतलब यूपीएस से कनेक्टेड है। ये देखें ये डीसी के बटन ऑन है, ये दो जो बटन हैं ये दो फैंस के हैं और ये निचला बटन गालिबन एक बल्ब बंद है उसे भी मैं ऑन करता हूँ। ये चार बल्ब ऑन हो गए व्यूअर्स देखें और ये हमारा यूपीएस लगा हुआ है, ये हमारी बैटरी है, ये देखें ये बैटरी है 70 ओम की बैटरी है, ये देखें और ये हमारा यूपीएस है। ये देखें व्यूअर्स ये यूपीएस इस टाइम आपको नज़र आ रहा होगा, इस टाइम ये देखें लाइन मोड इसका बंद है, 0000 आ रहा है। ये इस वक्त यूपीएस बैटरी की चार्जिंग सब कुछ गालिबा आपको नज़र आ रहा होगा, मैं मोबाइल को थोड़ा यूँ कर देता हूँ। ये देखें